Hero Destiny 125, India's first scooter with advanced i3s technology, जो रुकने पर इंजन को ऑटोमेटिकली बंद करे, फिर स्टार्ट हो आसानी से और पेट्रोल बचाए। Hero Destiny 125। सोलन के एक निजी विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय मोक्ष कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मशहूर पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बर राय मुख्य कलाकार पहुँचे। 3 दिनों तक चले सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिमाचली गायकों सहित पंजाबी गायकों द्वारा संस्थान में विद्यार्थियों को खूब नचाया। अंतिम दिन की संध्या में मशहूर पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बर राय ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। सर्वप्रथम बब्बर राय द्वारा करीब आधा घंटे तक कई हिंदी व पंजाबी गानों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित विद्यार्थियों को खूब नचाया। इसके उपरांत पंजाबी गायक जस्सी गिल ने मंच संभाला और एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। पंजाबी गायक जस्सी गिल ने कार्यक्रम में पहुंचने से पूर्व मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि हिमाचली लोगों और यहां की वादियां हर कलाकार को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हिमाचल आना हमें हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो यहां की वादियां, यहां का माहौल बहुत अच्छा, यहां के लोग बहुत अच्छे हैं, और हमेशा जब भी हम परफॉर्म करने आते हैं बहुत लोग प्यार से सुनने आते हैं हमें, और हमने एक दो गाने भी शूट किए हैं यहाँ पे। अगर आपने अच्छा आइडिया दे दिया है मुझे, अभी मेरे दिमाग में रहेगा कि मैं कोई हिमाचली गाना करूँ हिमाचल के लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे प्यार करते हैं मेरी आवाज़ में, जहाँ हम भी सोचेंगे कुछ ऐसा मिलके कर सके तो मिलकर। हाँ जी, बहुत जल्दी आ रहा है गाना। कौन सा है? मैं अभी अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगा, आप सब कुछ वहाँ जाके चेक करना। एक चूज करना पड़े तो क्यों करें? दोनों चलाने पंजाबी फिल्म में भी नहीं है, साल में एक दो ही आती है, अभी शूट करेंगे फिर। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।